हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल मूवीज फैन इंडिया। सो फ्रेंड्स, स्पाई मूवीज, स्पाई का हिंदी में मीनिंग होता है जासूस। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये वीडियो किस बारे में है, स्पाई मूवीज के बारे में। स्पाई फिक्शन की शुरुआत हुई 80s की शुरुआत में, लेकिन उस वक्त इसे ज्यादा लोगों ने पसंद नहीं किया। लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पर स्पाई फिक्शन तेजी से पॉपुलर होने लगा। स्पाई पर काफी सारी बुक्स भी आई और काफी सारी मूवीज भी बनी इस सब्जेक्ट पर। तो ये सब्जेक्ट वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम से काफी पॉपुलर है, तो इस पर काफी सारी हॉलीवुड मूवीज भी बन चुकी हैं। तो उन्हीं मूवीज में से मैं आपको बताऊंगा टॉप 10 स्पाई मूवीज के बारे में। सो लेट स्टार्ट। नंबर 10 पर आती है डाई अनदर डे। डाई अनदर डे मूवी रिलीज हुई 2002 में और ये मूवी जेम्स बॉन्ड सीरीज का हिस्सा है। डैनियल क्रेग वाली सीरीज की बात नहीं कर रहा हूँ, पियर्स ब्रोसनम वाली जेम्स बॉन्ड सीरीज जो 1995 से 2002 तक, जिसमें चार मूवीज हैं, गोल्डन आई, टुमारो नेवर डाइज, द वर्ल्ड इज नॉट इनफ और डाई अनदर डे। तो ये मूवीज जेम्स बॉन्ड की मूवीज हैं और मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको जेम्स बॉन्ड के बारे में कुछ भी बताने की जरूरत है, क्योंकि इंडिया में ये दो नाम काफी यूज होते हैं, चाहे लोगों को इनका पता हो या नहीं। पहला हिटलर और दूसरा जेम्स बॉन्ड। नंबर 9 पर आती है स्पाई गेम। स्पाई गेम मूवी रिलीज हुई 2001 में और मूवी में एक्टर है ब्रैड पिट। ब्रैड पिट के बारे में तो आपको शायद पता ही होगा, नहीं पता तो मैं आपको उनके कुछ फेमस मूवीज बताता हूँ। फाइट क्लब, इनग्लोरियस बास्टर्ड, 7 और वर्ल्ड वॉर जेड। मूवी की स्टोरी पर आए तो नहीं, मूवी की स्टोरी नहीं, मूवी किस बारे में है ये आप मूवी में ही जानिएगा। नंबर 8 पर आती है सोल्ट। सोल्ट मूवी आई थी 2010 में और मूवी में मेन लीड में है एंजेलिना जोली। एंजेलिना जोली की भी मैं आपको कुछ फेमस मूवीज बताता हूँ, लेकिन इससे पहले मूवी की स्टोरी के बारे में कुछ जानते हैं। मूवी में एंजेलिना जोली होती है CIA एजेंट, लेकिन मूवी में उन्हें एक्यूज किया जाता है कि वे एक रशियन स्पाई हैं। तो एंजेलिना जोली मूवी में रशियन जासूस है या नहीं, इसके लिए तो आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। एंजेलिना जोली की फेमस मूवीज है मेलेफिसेंट, लारा क्रॉफ्ट, वांटेड और मिस्टर एंड मिसेस स्मिथ। नंबर 7 पर आती है द मैन फ्रॉम अंकल। द मैन फ्रॉम अंकल मूवी रिलीज हुई 2015 में और मूवी में हमें देखने को मिलते है सुपरमैन, DC के सुपरमैन नहीं, सुपरमैन वाले एक्टर हेनरी कैवल। जो मूवी में कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं नेपोलियन सोलो का, तो इस कैरेक्टर के बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। तो नेपोलियन सोलो कौन है और वो क्या करता है मूवी में, इसके लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। नंबर 6 पर आती है द ब्रून आइडेंटिटी। ये मूवी एक फिल्म सीरीज है जिसमें है 5 मूवीज जो हैं द बोन आइडेंटिटी, बोन सुपरमैसी, बोन अल्टीमेटम, बोन लेगेसी और जेसन बोन। तो ये पांचों मूवीज आई 2002 से लेकर 2016 तक। तो ये पूरी एक फिल्म सीरीज है, तो मुझे नहीं लगता कि हमें इसकी स्टोरी के बारे में बात करनी चाहिए। ये फिल्म सीरीज मूवी के बाद बेहतर होती जाती है। इस सीरीज में मेरी फेवरेट मूवी है इसका तीसरा पार्ट द अल्टीमेटम। नंबर 5 पर आती है बॉडी ऑफ लाइज। बॉडी ऑफ लाइज मूवी आई थी 2008 में और मूवी में एक्टर है लियोनार्डो डिकैप्रियो जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं CIA एजेंट रोजर फेरिस का, जो मूवी में प्लान बनाते हैं एक डेंजरस टेररिस्ट अल सलीम को पकड़ने के लिए। तो वे उस टेररिस्ट को पकड़ पाते हैं या नहीं और वो प्लान क्या है, ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी चाहिए। नंबर 4 पर आती है द डिपार्टेड। द डिपार्टेड मूवी में भी एक्टर है लियोनार्डो डिकैप्रियो और मूवी आई थी 2006 में। मूवी में लियोनार्डो डिकैप्रियो प्ले करते हैं अंडरकवर एजेंट, एक स्पाई का कैरेक्टर जिसे भेजा जाता है गैंग में ताकि वो उन्हें पकड़वा सके। मूवी के डायरेक्टर है मार्टिन स्कोसेसी जो हॉलीवुड के वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स में आते हैं। नंबर 3 पर आती है किंग्समैन द सीक्रेट सर्विस। किंग्समैन द सीक्रेट सर्विस मूवी रिलीज हुई थी 2014 में और इसका अगला पार्ट आया 2017 में किंग्समैन द गोल्डन सर्कल, और इस सीरीज की प्रीक्वल मूवी आएगी 2020 में द किंग्समैन सीक्रेट सर्विस। इस मूवी की स्टोरी पाए तो मूवी की स्टोरी शुरू होती है गैरी एगी से, जिसके पिता काम किया करते थे एक स्पाई ऑर्गेनाइजेशन के लिए। उसी स्पाई ऑर्गेनाइजेशन में गैरी भी बड़ा होकर एक एजेंट बनता है। तो इतनी स्टोरी काफी है आपके लिए, आपको ये मूवी जरूर देखनी चाहिए। नंबर 2 पर आती है एटॉमिक ब्लॉन्ड। एटॉमिक ब्लॉन्ड मूवी रिलीज हुई थी 2017 में और मूवी में एक्ट्रेस है चार्लिज थ्योरन, जिनकी कुछ फेमस मूवीज हैं ये मैड मैक्स फ्यूरी रोड, स्नो व्हाइट एंड द हंट्समैन और फास्ट एंड फ्यूरियस 9। मूवी की स्टोरी शुरू होती है MI6 की एजेंट से, जो मूवी में कोशिश करती है एक इम्पॉसिबल मिशन में सर्वाइव करने की। नंबर 1 पर आती है रेड स्पैरो। रेड स्पैरो मूवी रिलीज हुई 2018 में और मूवी में एक्ट्रेस है जेनिफर लॉरेंस, जिनकी कुछ फेमस मूवीज है पैसेंजर्स, एक्समैन फर्स्ट क्लास और हंगर गेम्स। मूवी की स्टोरी के बारे में हम बात नहीं करेंगे, मूवी को देखकर आप खुद डिसाइड कीजिएगा कि क्या ये मूवी नंबर 1 पे डिजर्व करती है या नहीं। सो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको बताई टॉप 10 स्पाई मूवीज ऑफ हॉलीवुड। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो बी हैप्पी बिकॉज लाइफ इज सो शॉर्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।